नमस्कार खेडूत मित्रों स्वागत है आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में खेडूत मित्रों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्याज की फसल पर थिप्स का कंट्रोल करने का शानदार कॉम्बिनेशन खेडूत मित्रों प्याज एक ऐसी फसल है ना कि सिर्फ प्याज लेकिन लहसुन भी एक ऐसी फसल है कि जिसमें आपको थिप्स का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है जिससे किसान भाइयों को 20 से 25 परसेंट का नुकसान देखने को मिलता है जिसमें हमारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें लंबे समय तक तो थीप्स का कंट्रोल कर सके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो में दो डोज बताने वाले हैं एक डोज आप कम एटेक हो तो स्प्रे कर सकते हो और दूसरा एक डोज आप ज़्यादा एटेक हो तो स्प्रे कर सकते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें प्याज की फसल में थिप्स का एटेक पत्तों के बीचों बीच या पत्तों की नीचे की सतह पर आपको देखने को मिलता है थिप्स की वजह से प्याज का पौधा अच्छी तरह से खुराक नहीं बना पाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे से नहीं कर पाता है थिप्स एक ऐसा जीव है कि वो पत्तों से रस चुसता ही रहता है थिप्स के ज़्यादा अटैक से प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है जिससे कंध भी छोटे रह जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए वो देख लेते हैं तो पहला डोज है गुजरात हेड का आपको आर्मी मिलता है कड़ा केमिकल का पॉलिस हेड मिलता है और बायर का पसंटा इंसेक्टीसाइड आपको बाजार में मिल जाता है जिसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड फोर्टी परसेंट प्लस हिप्रोनिल फोर्टी परसेंट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इसके साथ सीजेंटा कंपनी का कराटे इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हो और इसके डोज की बात करें तो आर्मी पुलिस और लेसनटा इनमें से कोई एक दवाई का 80 ग्राम और कराटे इंसेक्टिसाइड को आप ढाई सौ एम लेकर स्प्रे कर सकते हो और दूसरी दवाई की बात करें तो आप डाब एग्री साइंस का थ्रेशर ले सकते हो उसके साथ आप कार्टेब हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ कर सकते हो कार्टेब हाइड्रोक्लोराइड आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो और उसकी डोज की बात करें तो थ्रेसर आपको 120 सौ बीस और कार्टेब हाइड्रोक्लोराइड आपको 200 ग्राम मिक्स करके आपको एक एकड़ में स्प्रे कर देना है मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थ्रेशर और कार्टेब का स्प्रे करें जिससे आपको बढ़िया रिज़ल्ट और लंबे समय तक रिजल्ट मिल सकता है थ्रेसर और कार्टेब का डोज आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा लेकिन उसके सामने आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा तो यही था इस वीडियो में हमारा उद्देश्य आपको अच्छी दवाई ये बताना है हम कोई भी कंपनी के स्पॉन्सर नहीं हैं आप ये टेक्निकल कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद